हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी तनु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्माकोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, इसके अंदर फार्माको का मीनिंग होता है ड्रग्स एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ ड्रग्स नोन एज फार्माकोलॉजी। ड्रग्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। सो ये तो था मीनिंग फार्माकोलॉजी का। नाउ इसके अंदर ड्रग्स, नाउ ड्रग्स की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड यूज्ड टू ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट और डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज और टू प्रमोट वेलबींग। सो ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, या जब ह्यूमन बॉडी ड्रग को कंज्यूम करती है, ठीक है, इनटेक करती है, तो जो ड्रग है वो एक फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ड्रग का यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, प्रिवेंट और डायग्नोस करने के लिए डिजीज़ को, ठीक है, एंड ये प्रमोट करता है ह्यूमन बींग की वेलबींग को। सो ये थी ड्रग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की, ठीक है। मेन डेफिनेशन क्या होती है फार्माकोलॉजी की? द साइंस डील्स विद द ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। सो फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो डील करती है ड्रग्स के साथ और ड्रग्स के एक्शन के साथ, ठीक है, कि जो ड्रग है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है ह्यूमन बॉडी पर एंड एनिमल्स पर, ठीक है। तो किसके साथ डील करती है फार्माकोलॉजी? ड्रग और उसके एक्शन के साथ ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के ऊपर। नेक्स्ट, जो फार्माकोलॉजी है इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फार्माकोडायनामिक्स एंड सेकंड वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फार्माकोडायनामिक्स। सो फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे पहले और नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी? सो फार्माकोडायनामिक्स में होता है कि जो ड्रग है वो क्या करती है हमारी बॉडी के साथ, मीन्स इट इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन ह्यूमन बॉडी। सो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हम जो ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होता है एक्शन का उसको पढ़ते हैं कि जो ड्रग है हमारी बॉडी पर क्या एक्शन शो करती है, ठीक है, एंड फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पढ़ते हैं ड्रग का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पर जो एक्शन परफॉर्म करती है ड्रग, ड्रग को कंज्यूम करने के बाद या जब ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में, ठीक है, तो ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो वो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी ह्यूमन बॉडी पर उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव सिंगल इफ़ेक्ट, इट हैज़ नंबर ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। सो जो ड्रग होती है उसका कोई सिंगल इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पर। सो फार्माकोडायनामिक्स में और क्या होता है? ड्रग एंटर्ड इन द बॉडी प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द ब्लड, ब्लड वेसल्स, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड आई डिफरेंटली। सो जब ड्रग एंटर करती है हमारी बॉडी पर, तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट शो करेगी, ठीक है, इफ़ेक्ट शो करेगी या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ब्लड पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ब्लड वेसल्स पर, ठीक है, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड आई,
सो इन सब पर डिफरेंट इफेक्ट शो करती है जब ड्रग है, जब ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ड्रग एंटर करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो ड्रग होती है मेनली दो इफेक्ट शो करती है, एक तो डिज़ायरेबल इफेक्ट शो करेगी एंड एक अनडिज़ायरेबल इफेक्ट शो करेगी। सो डिज़ायरेबल इफेक्ट क्या होगा, जो ड्रग है वो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, इम्प्रूवमेंट एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है, ह्यूमन की, ठीक है, डायग्नोस करेगी डिजीज़ को, प्रिवेंट करेगी डिजीज़ को, इम्प्रूव करेगी पेशेंट की कंडीशन में, ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगी। एंड अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या होगा, जो ड्रग है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट हो गए, एडवर्स इफ़ेक्ट हो गए, टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगी हमारी बॉडी पर, तो वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं साइड इफ़ेक्ट में। सो इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट है, माइल्ड इफ़ेक्ट शो करेगी, जैसे वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, एंड एडवर्स इफ़ेक्ट शो करेगी, जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं ये मॉडरेट होते हैं, जैसे रैशेज़ हो गए। टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करेगी, जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं सीवियर होते हैं ये, जैसे ऑर्गन फेलियर, ठीक है। तो मेनली दो इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब ड्रग एंटर करती है बॉडी में। सो ये था फार्माकोडायनामिक। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स। सो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। सो फार्माकोडायनामिक्स में तो हमने पढ़ा कि ड्रग क्या करेगी हमारी बॉडी के साथ, ठीक है, कैसा इफेक्ट शो करेगी हमारी बॉडी पर। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है कि बॉडी क्या करेगी हमारी ड्रग्स के साथ, ठीक है, बॉडी क्या इफेक्ट शो करेगी ड्रग पर। सो बॉडी क्या करेगी ड्रग्स के साथ, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ड्रग पर, बॉडी विल डू ADME, ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाएगी, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म करवाएगी, एंड ई एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएट आउट करवाएगी ड्रग को बॉडी से। सो फर्स्ट क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ड्रग का, सो जब जो पर्सन है कंज्यूम कर लेता है या इनटेक कर लेता है, ठीक है, उसके बाद जो ड्रग होती है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करना ड्रग का। जैसे ही जो पर्सन है ड्रग को इनटेक करता है, ठीक है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। सो ब्लड स्ट्रीम में एंट्री के बाद जो ड्रग होती है उसका मूवमेंट होता है ब्लड से, जो वेरियस टिश्यूज होते हैं बॉडी के वहाँ पर, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है वेरियस टिश्यूज के पास बॉडी के। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफ्यूजन। सो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रग होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, किसी डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर, ताकि वो ईजिली एलिमिनेट हो सके बॉडी से। नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन। सो रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एलिमिनेशन। सो ड्रग का रिमूव होना बॉडी से उसको कहते हैं एलिमिनेशन। सो बॉडी मेनली ये चार फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, एलिमिनेशन, जो यूरिन होता है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में एलिमिनेट होता है, स्टूल लिपिड सोल्यूबल फॉर्म में, गैस होती है वो वोलेटाइल होती है नेचर में, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन डिटेल, कि कैसे जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है उसकी डिटेल में पढ़ेंगे। And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.